दिया गया है कि हम आने वाले टाइम में कश्मीर को आईटी हब बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से आज तक कोई ऐसी अनाउंसमेंट आई है? पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कितना फोकस कर रही है, वहां के लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कितना खुश है और कश्मीर के लोग इंडियन गवर्नमेंट से कितना खुश है? पंजाब रेंजर आज यहाँ पे हमारे जमीनों पर कब्जा करेंगे, जमीन नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में एयरटेल ने पायरेसी लॉन्च किया है। गवादर में हक्सो तहरीक के रहनुमाओं की गिरफ्तारी, शहर में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। गवादर में एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई, मुतअद्दिद जख्मी हुए। एहतजाज का दायरा दीगर शहरों में भी फैल चुका है। IMF के पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं है। आप समझते हैं कि वाकई कोई और हल नहीं है पाकिस्तान के पास IMF की भीख के अलावा? तो इंडिया में भी बातें हो रही है कि इनकी तो फौज भी है, इनके साथ नहीं है। फौज के लिए बदनाम, ये फौज के साथ नहीं है बस, वो तो ये बातें हो रही है। तो अब तो फौज भी बदनाम हो गई। इन्हें कर्जे देने के लिए भी, कर्जों की किस्त देने के लिए भी, उन पे कर्ज देने के लिए भी कर्जा चाहिए। जो है इस वक्त गवादर के अंदर एक हक दो तहरीक चल रही है। कुछ सालों से जम्मू एंड कश्मीर में बिजनेस आ रहा है, जिनकी इस्लामिक कंट्रीज भी उधर इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंडिया का जो पॉलिटिशियन है ना, जो मोदी है इस टाइम, भला बाकियों के लिए जो भी करता, पाकिस्तान को बुरा समझता है, जो भी है अपने मुल्क के साथ वो फेर। पॉलिटिशियन तो होता ही वो है ना जो अपने लिए सोच, अपने कंट्री के लिए। बिल्कुल, लेकिन हमारे पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसकी बात करें और इंडिया के पास जो कश्मीर है उसकी बात करें, दोनों में कितनी डेवलपमेंट अब तक हो चुकी है और आने वाले टाइम में दोनों गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की और पाकिस्तान गवर्नमेंट की, कश्मीर को लेकर क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या प्लान है उनकी बात करें। इंडिया की तरफ से अनाउंस किया गया है कि हम आने वाले टाइम में कश्मीर को आईटी हब बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से आज तक कोई ऐसी अनाउंसमेंट आई है? पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कितना फोकस कर रही है, वहां के लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कितना खुश है और कश्मीर के लोग इंडियन गवर्नमेंट से कितना खुश है? कश्मीर के लिए 75 साल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया, ये एक सादा सा सवाल है कि नहीं? सिर्फ नारे ही दिए और कुछ भी नहीं किया, और हमें डराते रहे कश्मीर के नाम पे, हमें डराते रहे और पैसे खाते रहे। कौन है? पाकिस्तान की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी और सियासी जमातें भी, सियासी जमातें भी। अभी आज न्यूज ये है कि इंडिया वालों ने अनाउंस किया है कि हम आने वाले टाइम में, जो उनके पास कश्मीर है वहाँ पर आईटी के हवाले से बहुत काम करने जा रहे हैं, ऑलरेडी वो काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं। क्या समझते हैं कि हम नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर मेरा, कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा ही, और कुछ भी? वो डेवलपमेंट के लिए प्रैक्टिकली कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो तो कर रहे हैं कि वो तो हमसे बहुत आगे, हर शोबे में हमसे आगे इंडिया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो शोबे में आगे वो तो एक अलहदा टॉपिक है ना, हर फील्ड में हमारे से आगे वो एक अलहदा चीज है। कश्मीर में वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो क्या कश्मीर के लोगों से इसका मतलब है फायदा तो वो दे रहे हैं? वो दे रहे हैं फायदा, वहाँ उन्होंने अपनी आवाम को बचाना भी है और वहाँ के लोगों का दिल जीतना है, वो तो वहाँ काम करेंगे, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, वजह क्या समझते हैं? मतलब वो तो आज अगर कश्मीर को आजादी दे देना तो 90% चांस ये है कि वो पाकिस्तान के साथ इलाक नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के हालात हैं। हम तो हम क्यों फिर नारा लगाते हैं कश्मीर? एक वैसी जज्बाती नारा है और ये खुशनुमा नारा जो लगाया जाए, जब आपको बेवकूफ का बहलाने के लिए 70 साल से यही हो रहा है। चले तो ये नहीं तय हुआ, अब तो ये कन्फ्यूज हुई है आवाम के, इमरान खान आएगा या वो आएगा, यही पाकिस्तान के हालात नहीं सही। लेट्स सपोज जो हम नारा लगाते हैं कोई पूछता भी नहीं कि यार प्रैक्टिकली हमने क्या किया। अगर लेट्स सपोज जी मुझे बहुत प्यार है कश्मीर से और नो डाउट कश्मीर के लोगों से है भी है प्यार, लेकिन क्या किया प्रैक्टिकल? कुछ भी नहीं किया। आप अगर इंडियन मुसलमानों को मिले कहीं भी बाहर जाना का इत्तेफाक होता रहता है तो वो ये तो नहीं कह रहे कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे, वो तो वहीं पर खुश है, वहीं खुश है। वहाँ पे फिर भी इमेज दिया जाता है कि वहाँ पे बहुत वो लोग आदतें जो है ना सियासी नारा लगा के अपने आवाम को जो है ना बस बेवकूफ बना रही है। अगर हम पूछेंगे भी ना तो उठा के ले जाएंगे और हाल हमारा आदम सवारी वाला होगा। कुछ सालों से जम्मू एंड कश्मीर में बिजनेस आ रहा है, जिनकी इस्लामिक कंट्रीज भी उधर इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसके अलावा अब हम देखते हैं एयरटेल ने, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने 5G लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर में। क्या पॉलिसीज अपनाई गई और क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है, जरा हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिएगा, और इसके पीछे कितनी है प्रोडक्ट की जानी से कब से प्लान की जा रही है? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है 5G का, मैं आपको ये बता दूँ कि 5G जो है इंडिया में सबसे पहले पुणे में लॉन्च हुआ था, वो भी आई थिंक पिछले महीने ही हुआ था। तो एक महीने में जैसे पहले पुणे और अदर स्टेट जो है हमारी इंडिया की, वहाँ पे लॉन्च किया गया एंड विद ऑलमोस्ट आफ्टर द मंथ ऑफ वन मंथ, एक मंथ के गैप के बाद जम्मू कश्मीर में एयरटेल ने ये अनाउंस कर लिया कि हम 5G लॉन्च कर रहे हैं। जो एयरटेल के CEO है आदर्श वर्मा, उनने ये अनाउंस किया था पब्लिकली कि आई एम वेरी ग्लैडेड कि मैं ये अनाउंस करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे एयरटेल जो है 5G वो वहाँ पे जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में भी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
जहाँ तक इंटरनेट एक्सेस का ताल्लुक है, मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे यहाँ आरडी 4G इंटरनेट वो सब चीजें चल रही थी पहले से, पता चल रही थी। फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एयरटेल के साथ साथ जियो ने यहाँ पे एप्लीकेशन में ही जब 370 के बाद